Hello friends, welcome to Science Academy. So friends, previous video re ame discuss korthile structure of DNA. To aji ame kichi part chadi jaithile seita ku aji ame discuss kariba. To aji ame discuss kariba types of DNA upare. तो टाइप्स ऑफ डीएनए तो बहुत प्रकार डीएनए अच्छी. तो प्रथम आम देखा ऑन द बेसिस ऑफ राइट हैंडेड एंड लेफ्ट हैंडेड टर्न. राइट हैंडेड और लेफ्ट हैंडेड टर्न को लेकिन आमर डीएनए को केते गुडे भाग रे विभक्त करा जाय छी. तो प्रथम आम देखा राइट हैंडेड टर्न को लेकिन ए बी सी डी ई एमते पांच टी प्रकार डीएनए विभक्त करा जाय छी और लेफ्ट हैंडेड टर्न ने जेड डीएनए को रखा जाय छी. तो बेसी प्रायोरिटी दिया जाउ छै जे ए डीएनए को आ बी डीएनए को. तो एठी हमें ए पी ओ जेड डीएनए भीतर किसी डिफरेंस जानिबा. तो फर्स्ट देखिबा डिस्कवरी के करथिले. सो ए डीएनए रो डिस्कवरी करथिले वाटसन एंड क्रिक. बी रो करथिले वाटसन एंड क्रिक आल्सो एंड जेड रो करथिले अलेक्जेंडर रिच एंड एंड्रू वांग. देन नेचर ऑफ हेलिक्स देखिया गले एटा जानले हमें राइट हैंडेड टर्न. बीटा भी हमें राइट हैंडेड टर्न. आम जो नॉर्मल स्ट्रक्चर देखुले डीएनए रे सेटा बी डीएनए ऊपर आम डिस्कस करथले एंड जेड रे रहला लेफ्ट हैंडेड टर्न. डायमीटर देखिया गले ए डीएनए रहउची 23 एमस्ट्रोंग, बी रहउची 20 एमस्ट्रोंग एंड जेड रहउची 18 एमस्ट्रोंग. सो लेंथ ऑफ वन फॉर्म ऑफ हेलिक्स. तो गोटे हेलिक्स रो लेंथ एठी केते रहउची ए डीएनए रे रहउची 25 एमस्ट्रोंग, बी डीएनए रे रहउची 34 एमस्ट्रोंग और जेड डीएनए रे रहउची 46 एमस्ट्रोंग. तापरे नंबर ऑफ बेस पेयर देखिया गले एथिरे 10टा बेस पेयर रहउची ए रे, बी रे रहउची 10टा और जेड रे रहउची 12टा. थिकनेस देखिया गले एटा टिके ब्रोडर रहउची माने टिके ओसारिया रहउची स्ट्रक्चर एवं बी डीएनए टा जेंत सिंपल डीएनए रहया कथा सेंत रहउची. जेड डीएनए टा कोन कहउची पतला टिके रहउची थिनर रहउची. तो नेक्स्ट स्लाइड रे आमे देखिबा एठी फिगर देची ए डीएनए बी डीएनए और जेड डीएनए रो. एठो आमे पूरा पूरी क्लियर भाबे देखि परिबा एटा होची हमर नॉर्मल डीएनए जोटा कि बढ़िया भाव स्ट्रक्चरल फॉर्म रहा अच्छी. एटा आपण देखि पाथे टिके ब्रोडर स्ट्रक्चर अच्छी आउ एटा हमर राइट हैंडेड टर्न नै छै दिटांग. एटा हमर लेफ्ट हैंडेड टर्न नै छै ओ बहुत कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर एथि आपण देखि पाथे. नेक्स्ट हमें देखिबा प्रोमिस्क्यूअस डीएनए. सो प्रोमिस्क्यूअस डीएनए रो अर्थ कोन किछि डीएनए थाए जहार कि सेल रे किछि काम न थाए किंतु से माने प्रेजेंट थांदि ताकु हमें कहबा प्रोमिस्क्यूअस डीएनए. सो एथि हमें देखिबा डीएनए मूव्स अमंग क्लोरोप्लास्ट माइट्रोकॉन्ड्रिया न्यूक्लियस विदाउट एनी स्पेसिफिक फंक्शन. तांकर किछि स्पेसिफिक फंक्शन नथाय किंतु से माने माइट्रोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट इत्यादि रे थांदि तेनु ताको हम कहबा प्रोमिस्क्यूअस डीएनए. देन रिपीटेटिव डीएनए. रिपीटेटिव माने कोन बारंबार गोटे पर्टिकुलर बेस सिक्वेंस रिपीट हेथिबो गोटे डीएनए रे ताको हम कहबा रिपीटेटिव डीएनए. देन रिकॉम्बिनेंट डीएनए. रिकॉम्बिनेंट डीएनए माने कोन कॉम्बिनेंट माने कोन रिकॉम्बिनेंट. बहुत गुड़े डीएनए रो डिफरेंस पार्ट रो एथि देखन लिखाई छि डीएनए फ्रॉम डिफरेंस सोर्स. डिफरेंस सोर्स रो डीएनए को आनी कि ताकु रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी द्वारा अटैच करी कि जो डीएनए टा हमरो डिजाइन करा होछि सेटा होछि रिकॉम्बिनेंट डीएनए. देन होछि पैलिंड्रोमिक डीएनए. पैलिंड्रोमिक डीएनए माने कोन ए स्पेसिफिक नाइट्रोजिनस बेस सीक्वेंस इज प्रेजेंट ऑन बोथ द स्ट्रैंड ऑफ डीएनए बट मेंटेनिंग सेम पोलारिटी. ए फिगर आम देखा पैलिंड्रोमिक डीएनए कौन भल भाव बुझीपर. ये आप देखते फाइव डैश एंड रू गलापर एटी रहा जी ए टी सी. एपटू जो आम तलू देखा फाइव डैश एंड रू से रहा जी ए टी सी. तो यही ऊपर एवं यहाँ तल ओल्टा होकर अच्छी तेणु आपको आम कह पैलिंड्रोमिक डीएनए. तो नेक्स्ट स्लाइड आम देखा क्लोरोप्लास्ट डीएनए. क्लोरोप्लास्ट डीएनए कौन रोची इट इज ए डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर हिस्टोन फ्री डीएनए प्रेजेंट इन स्ट्रोमा एंड क्लोरोप्लास्ट. सो एटा गोटे हिस्टोन फ्री. हिस्टोन पढ़ेबी आगक हिस्टोन रे गोटे आम हिस्टोन रोचे जोटा कि डीएनए को गोटे कंपैक्ट करके बांधिक रखुच. तो यहाँ गोटे सर्कुलर डीएनए रोचे और हिस्टोन फ्री जोटा कि आमर स्ट्रोमा रे प्रेजेंट रोचे क्लोरोप्लास्ट रहापर रोच माइट्रोकॉन्ड्रियल डीएनए. माइट्रोकॉन्ड्रियल सेम सर्कुलर एंड हिस्टोन फ्री प्रेजेंट अच्छी इन माइट्रोकॉन्ड्रिया. तो नेक्स्ट आसब एस एस मैंने सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए. सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए रोचे इट इज सिंगल स्टैंडर्ड एंड सर्कुलर इन नेचर. जेहतु सिंगल स्टैंडर्ड अच्छी यहाँ सर्कुलर होगी. एग्जाम्पल रोच फाइ इंटू 174 जोटा कि आम मेनली इकोलाइ थाए ओ बैक्टेरियोफेज.
देन आम रोज प्लाज्मिड डीएनए। प्लाज्मिड डीएनए हूँ कौन? प्लाज्मिड डीएनए हूँ गोटे एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर हिस्टोन फ्री डीएनए ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया रे आमर बहुत गुड़े बैक्टीरिया अच्छा जार कि मानने जेनेटिक स्ट्रक्चर रोज आरएनए से गोटे सर्कुलर प्लाज्मिड स्ट्रक्चर थाए जोटा कि जेनेटिक मेटेरियल क्यारि करें जोटा कि आम ट्रांसफर हुए फ्रम वन बैक्टीरिया टू अनदर बैक्टीरिया सेटा को आम कह प्लाज्मिड डीएनए। देन नेक्स्ट आम डिस्कस करवा आरएनए उपरे। तो आरएनए हूँ कौन? राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए थी आम डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। आरएनए हूँ राइबो न्यूक्लिक एसिड। सो आरएनए आर सिंगल पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन दैट मे और मे नॉट कैरी जेनेटिक इनफर्मेशन। एटी आम आगे देखा केमी जेनेटिक इनफर्मेशन क्यारि करते क्यारि करनी। सो एटी रहा सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन रहा और एटी रहा नाइट्रोजिनस बेस और सुगर मॉलिक्यूल सब रहा न्यूक्लियोटाइड रहा। तो ये आरएनए काम कौन रोज सेल रे सेटा गोटे स्टोर हाउस एंड डेलीवरी सिस्टम भाव में काम कर। स्टोर हाउस केमती काम कर बहुत गुड़े जेनेटिक क्यारेक्टर स्टोर कर डेलीवरी सिस्टम मैंने कौन कर जेनेटिक क्यारेक्टर को गोटे पार्ट रू आ गोटे पार्ट को सी डेलीवर कर डेलीवरी सिस्टम अफ जेनेटिक ट्रेड कहते। सो सो ये आरएनए को किए डिस्कवर करते फेडरिक मेस्चर जन साइंटिस्ट थे जेकि आरएनए डिस्कवर करते। सो नेक्स्ट आम देखा स्ट्रक्चर उपर। तो स्ट्रक्चर आम कौन देखा? द स्ट्रक्चर अफ द आर एन ए मलिकुल व्वाज डेस्क्राइब बाय आर डब्ल्यू हॉले इन 1965। सो 1965 मसीह आर डब्ल्यू हॉले आर एन ए रक्चर डेस्क्राइब करते। सो से कौन कौन आम डीएनए रे देखुले बेस कौन कौन रोला आडेनिन थायमिन सैटोसीन एंड गुआनिन रोला कितु एटी आम कौन रोज आडेनिन सैटोसीन गुआनिन एंड यूरासिल। सो थायमिन जगार ये यूरासिल रोचे। तो थायमिन जगह कहीं यूरासिल रोचे नेक्स्ट स्लाइड रे देखा। सो यूरासिल प्रेजेंट इन द प्लेस ऑफ थायमिन। सो नेक्स्ट स्लाइड रे देखा कहीं थायमिन रोचे। सो आमर एटा कौन किसी आरएनए टा किसी इनफर्मेशन क्यारि कर तो गोटे स्टेबुल फर्म नुह ना से किसी समय पर कम कर काम सरगला से डिसइंटीग्रेट कर। सो ये आम डीएनए टा कि स्टेबुल स्ट्रक्चर डीएनए रोचे थायमिन। थायमिन टाइम ये देखते थायमिन आरासिल भितर फरक हूँ ये सी एस थ्री गोटे मिथाइल ग्रुप लगी यूरासिल मिथाइल ग्रुप लगे। सो ये जो थायमिन टा प्रडक्शन जेहेतु गोटे मिथाइल ग्रुप एक्सट्रा लगुच से बेसी एनर्जी दरकार कितु यूरासिल से एनर्जी आ दरकार नहीं जेहेतु आरएनए टा गोटे स्टेबुल स्ट्रक्चर नुह से सेल कौन करे बेसी एनर्जी कहीं खर्च कर थायमिन प्रड्यूस कर से यूरासिल प्रड्यूस करे से आरएनए रे यूरासिल प्रेजेंट थाए। सो नेक्स्ट स्लाइड रे आमे देखिबा टाइप्स ऑफ आरएनए। सो केते प्रकार टाइप रो आरएनए रो बेसिक ऑन जेनेटिक बिहेवियर कॉल द आरएनए आर कैटेगराइज इनटू टू टाइप्स। सो मेनली आरएनए होची दी प्रकार गोटे होची जेनेटिक आरएनए आ गोटे होची नॉन जेनेटिक आरएनए। सो जेनेटिक आरएनए कौन रोची जोटा कि जेनेटिक इनफर्मेशन क्यारि कर डेवलपमेंट ऑफ प्रोटीन इन बॉडी। सो जेनेटिक इनफर्मेशन क्यारि कर मेनली जेनेटिक आरएनए टा आम प्रोकैरियोटिक रे थाए कारण प्रोकैरियोटिक सेल कौन करे एटी आप गोटे एच आई वि स्ट्रक्चर देखिपारे एटी एटा जो रहा आरएनए जेनेटिक मटेरियल जोटा रहा आरएनए टा गोटे होस्ट बॉडी की जीवो होस्ट बॉडी गलापर से प्रोटीन सिंथेसिस करिवारे से साहय कर सी किसी जेनेटिक क्यारेक्टर क्यारि कला एच आई वि जोटा कि होस्ट सेल पाक प्रोटीन सिंथेसिस करके नुआ एच आई वि भाइरस तैयारी कर। सो आउ नेक्स्ट पॉइंट रे हम देखिबा दे आर ओनली फाउंड इन राइबो वायरसेस। तो आरएनए वायरस जतक रहिले सेथिरे हमरो जेनेटिक आरएनए देखा जाए। सो दे आर प्रेजेंट इन सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए जेमते कि टीएमवी वायरस एंड एचआई वायरस एंड डबल स्टैंडर्ड आरएनए जेमते कि राइस ड्वार्फ वायरस एंड वुंड ट्यूमर वायरस। सो नेक्स्ट रहउची सम राइबो वायरसेस सो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस आर कॉल्ड रेट्रो वायरसेस। सो एटी आमर रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस कौन रोचे जिते आमर गोटे धर एच आई वि आरएनए टा गोटे होस्ट सेल को गला होस्ट सेल रो जेनेटिक मटेरियल हूँ डीएनए से कौन कर रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन द्वारा तार आरएनए को डीएनए रे कन्वर्ट करदेव से डीएनए को लेकिन होस्ट डीएनए सांगे मर्ज करदेव। मर्ज कलापर होस्ट डीएनए को से यूज करके प्रोटीन सिंथेसिस कर नुआ भाइरस तैयारी कर। सो नेक्स्ट स्लाइड रे देखा नॉन जेनेटिक आरएनए। नॉन जेनेटिक आरएनए रे कौन रोचे एटा किसी जेनेटिक इनफर्मेशन क्यारि करनी किंतु जेनेटिक कोडन क्यारि करोटा कि प्रोटीन सिंथेसिस रे हेल्प करुच्छे। सो दे आर फाउंड इन ऑल प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट। प्रोकैरियोट भी एटा देखा जाए यूकैरियोट भी देखा जाए। सो दे आर डिराइव फ्रॉम आरएनए मॉलिक्यूल्स।
The percentage of non-genetic RNA varies with time in a cell and also different in cell. So time anujai o dorkar anujai e gura ko sabu produce hoithae. So next time dekhiba non-genetic RNA hochi tini prakar mRNA, tRNA and rRNA. So pratham ame dekhiba mRNA bisoyare. So mRNA ra kon hochi eta kie discover kartile Jacob and Monod de jon scientist thile je ki mRNA discover kartile. Next point रे देखिबा इट टेक्स जेनेटिक मेसेज फ्रॉम डीएनए टू साइटोप्लाज्म सो कॉल्ड मेसेंजर आरएनए ये कोन करछि डीएनए रु जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कैरी करिकि नउछि साइटोप्लाज्म को जोठि कि प्रोटीन सिंथेसिस होबो सेति बाय ताको हमें कहले मेसेंजर आरएनए सो एटा केम तयारी होछि डीएनए रु तो एटा प्रोकैरियोट रे आरएनए पॉलीमरेज द्वारा तयारी होछि ओ यूकैरियोट रे आरएनए पॉलीमरेज 2 एंजाइम द्वारा तयारी होछि एमआरएनए सो आम सेल जत्ते आरएनए रहउची ये कंटेन करची 5% सो इन यूकैरियोट्स एमआरएनए आर मोनोसिस्टोनिक एंड इन प्रोकैरियोट्स आरएनए आर पॉलीसिस्टोनिक सो एठी आमे देखिबा मोनोसिस्टोनिक रो अर्थ कोन ओ पॉलीसिस्टोनिक रो अर्थ कोन एठी आमे देखि पारिया बोलरे मोनोसिस्टोनिक माने जत्तेले गोटे एमआरएनए गोटे प्रोटीन बाय जेनेटिक कोडन कैरी करथाय ताको आमे कहया मोनोसिस्टोनिक पॉलीसिस्टोनिक आउ कहबा पॉलीसिस्टोनिक रे से मोर देन वन प्रोटीन बाय जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कैरी करथो जेमते ए स्ट्रक्चर रे देखि परिबे एठी गोटे रे प्रोटीन ए बाय से जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कैरी करछि तापर पूर्ण प्रोटीन बी बाय मध्यम से जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कैरी करछि सो नेक्स्ट पॉइंट रे हम देखिबा इट इज लीनियर डायरेक्टेड फ्रॉम 5' टू 3' एंड शॉर्ट लिव्ड आरएनए प्रोकैरियोट रे एमआरएनए गुडी को शॉर्ट लिव्ड होथन्थे माने मोस्टली से माने किछि मिनिट बाय बंचि परिबे किंतु यूकैरियोट रे से माने एमआरएनए गुडी को बहुत समय जाय स्टैंड करि परिबे मोर देन 1 आवर एंड 2 आवर से माने स्टे करि परिबे कारण तांकु गोटे जगह रो अन्य जगह को ट्रांसफर करिवार अछि ट्रांसपोर्ट होवार अछि सेति बाय सेटा टिए लॉन्ग लिव थाय सो मॉलिक्युलर वेट वैरीज फ्रॉम 40000 टू 1000 डाल्टन मॉलिक्युलर वेट कोन रहउछि 40000 रु 1 लाख डाल्टन पर्यंत रहउछि तो नेक्स्ट पॉइंट रे हमें देखिबा ऑल एमआरएनए कंटेन टू रीजन एमआरएनए रो दीटा रीजन रहउछ गोट होछि स्टार्टिंग रीजन आ गोट होछि एंडिंग रीजन स्टार्टिंग रीजन रे कोन रहउछि इनिशिएशन कोडन रहउछि ओ एंडिंग रीजन रे रहउछि टर्मिनेशन कोडन स्टार्टिंग रीजन रे जो रहला हमर इनिशिएशन कोडन ता इनिशिएशन कोडन कोड कोन कोन रहउछि ए यूज रहउछि एंड जी यूज रहउछि एई दीटा को इनिशिएशन कोडन भाबरे काम करछन इनिशिएशन कोडन माने कोन प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्टिंग हबो एटू और शेष हबो कोठी यूएए यूएजी एंड यूजीए एटा स्टॉप कोडन भले काम करछन सेति बाई एठी एई कोड जेतले आसीबो सेतले प्रोटीन सिंथेसिस एठी स्टॉप हबो सो एठी यूएए रो गोटे ना आछि ओके यूएजी रो गोटे ना आछि अंबर एंड यूजीए रो गोटे ना आछि ओपल तो नेक्स्ट पॉइंट रे हम देखबा कोडन होची 3 नाइट्रोजिनस बेस रीजन कंटेंस इंफॉर्मेशन फॉर अमीनो एसिड सो अमीनो एसिड तयारी बाय 3टा लाखे नाइट्रोजिनस बेस नेकी कोडन गठित होइथाय जहा कि अमीनो एसिड प्रोडक्शन रे हेल्प करे नेक्स्ट वीडियो रे हम देखबा कोडन केनते 3 नाइट्रोजिनस बेसेस काई के होची तो नेक्स्ट पॉइंट रे हम देखबा एमआरएनए कंटेंस इंट्रॉन्स एंड एक्सॉन्स सो एठी इंट्रॉन्स कोन होला इंट्रॉन्स होची केते गुडे नॉन कोडिंग रीजन भी थाए जोटा कि कोनोसी प्रोटीन बाय कोनोसी अमीनो एसिड बाय कोड हेइ नथाय ताको हम कहबा इंट्रॉन्स आ एक्सॉन्स होची कोडिंग रीजन जोगुरा कि अमीनो एसिड बाय कोडिंग हेते ताको हम कहबा कोडिंग रीजन बा एक्सॉन्स सो नेक्स्ट स्लाइड रे हम देखबा आर आरएनए विषय रे सो आर आरएनए कोन राइबोसोम आरएनए सो राइबोसोम होची हमरो हाउस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस जोटि कि प्रोटीन सिंथेसिस हुए सेटा हो जे हमर राइबोसोम तो राइबोसोम आ आरएनए को नेकी राइबोसोम गठित ए स्ट्रक्चर आपण माने सब देखि पारथिबे एठी रहला गोटे स्मॉल सब यूनिट एठी रहला लार्ज सब यूनिट सो इट इज ट्रांसक्राइब्ड बाय आरएनए पॉलीमरेज इन प्रोकैरियोट एंड आरएनए पॉलीमरेज 1 इन यूकैरियोट आरएनए पॉलीमरेज द्वारा इन प्रोकैरियोट एटा प्रोकैरियोट रे तयार हुए ओ आरएनए पॉलीमरेज 1 द्वारा यूकैरियोट रे तयार हुए एटा होची बहुत परिमाण रे थाय सेल रे जोटा कि 80% ऑफ टोटल सेलुलर आरएनए टोटल सेलुलर आरएनए रो से 80% थाय सो
It is also directed from 5' to 3' end, and it is available as 3D structure in ribosome. So, yara 3D structure hele se ribosome ro structure taiyari kare. So, molecular weight ko to ko jan rahuchi 1 lakh to 2 lakh dalton re molecular weight tara rahuchi. So, next time dekhiba ethi dekhi parthe apana 70s aw 80s. 70s mainly prokaryote re thai, 80s mainly eukaryote re thai. So, ethi 70s ribosome ta एटी दीटा पार्ट रही छी गोटे होची स्मॉल सब यूनिट गोटे होची लार्ज सब यूनिट सो स्मॉल सब यूनिट 16s आरएनए को नै गठित स्मॉल सब यूनिट 30s यूनिट ता एंड 5s आउ 23s आरएनए को पार्ट को नै गठित बिग सब यूनिट बा लार्ज सब यूनिट 50s ता सो इन 80s रे कोन रहउची स्मॉल सब यूनिट रहउची 40s 40s का को नै गठित होई छी 18s आरएनए को नै 40s गठित होई छी आउ 60s ता का को नै गठित होई छी 5s 5.8s and 28s RRN को नेगी 60s sub unit last sub unit आ गठित होई तो एठी s अर्थ होची set box unit एठी भी silent रहइबो set box unit so 5s RNA present in both 70s and 80s एठी common अछि 5s RNA 80s रे भी अछि 5s RNA 70 रे अछि so next point रे से कहि छी a small fragment of 23s and 28s RRNA bfs as enzyme ribozyme तो राइबोजाइम एंजाइम टा हमरा एटी कोन हेल्प करची जेतेले प्रोटीन सिंथेसिस होची दीटा अमीनो एसिड भितरे बॉन्ड बा पेप्टाइड लिंकेज फॉर्मेशन करिवारे हेल्प करची सो नेक्स्ट स्लाइड रे हम देखिबा टीआरएनए सो टीआरएनए कोन ट्रांसफर आरएनए सो एटा फर्स्ट के डिस्कवर करथिले एम हॉगलैंड जने साइंटिस्ट थले एंड तांकर माने सहयोगी मिसी से डिस्कवर करथिले टीआरएनए को सो इट इज आल्सो नोन एज अडॉप्टर आरएनए ताकु अडॉप्टर आरएनए काहे कि कह जाउ छी से एंटीकोडन को अडॉप्ट कर कि नै कि रहू छी कोठी राइबोसोम भितरे जतले प्रोटीन सिंथेसिस होउ छी सेति पई ताकु हमरो कह जाउ छी अडॉप्टर आरएनए सो इट पिक्स अप राइट काइंड ऑफ अमीनो एसिड फ्रॉम साइटोप्लाज्म जहा भी होउ छी प्रोटीन सिंथेसिस अमीनो एसिड को से राइट काइंड ऑफ अमीनो एसिड को माने ठीक अमीनो एसिड को कैरी कर कि नउ छी जोटा कि हेल्प कर छी प्रोटीन सिंथेसिस सेति पई ताकु ट्रांसफर आरएनए कह जाउ छी so it is transcribed by rna polymerase in prokaryote prokaryote re rna polymerase dwara eta taiyari hochi o eukaryote re rna polymerase 3 dwara eta taiyari hochi next point ame dekhiba it is the smallest type of rna consists of 70 to 90 ribonucleotide so 70 to 90 ta ribonucleotide ki nei ki trna gathit hoita eta total kete percent rahuchi cell re 15% of the total cellular RNA. Molecular weight vary between 10,000 to 20,000 dalton. And the 3D structure of tRNA is L-shaped. Next slide ra ame dekhiba. Ethi 3D structure deichi. 3D structure ta gote L-shaped re rahuchi. And two-dimensional structure ta eta hauchi gote clover leaf structure. Clover leaf structure upare next slide ra ame dekhiba. এটা 3D এটা 2D স্ট্রাকচার এটা 3D স্ট্রাকচার এন্ড এটা গটে সিম্পলিফাইড স্ট্রাকচার এটা হচ্ছে অ্যামিনো অ্যাসিড অ্যাটাচমেন্ট সাইট এপটে রইলা অ্যান্টিকোডন সাইট নেক্সট আমি দেখিবা এঠি রইলা 2D স্ট্রাকচার অফ টিআরএনএ যে যাহা কো আমি কইছে ক্লোভার লিফ মডেল সো ক্লোভার লিফ মডেল কি দেইতিলে ডব্লিউ হলে ইন 1965 ক্লোভার লিফ মডেল অফ টিআরএনএ দেইতিলে सो यार चारटा आर्म रोजी आपण ई फिगर रे देखि पर्थे गोटे होची एक्सेप्टर आर्म आ गोटे होची टी साइज सी लूप आ गोटे होची वेरिएबल लूप एठी गोटे रहउची देन एठी गोटे रहला एंटीकोडन लूप आ एंटीकोडन आर्म एठी रहला गोटे डीएच लूप बा डी लूप तो या ब्रा मेनो डिस्कशन करबा तो एक्सेप्टर स्टेम रे देखि पर्थे एक्सेप्टर स्टेम रे सातटा बेस पेयर रहउची आ चारटा सिंगल स्ट्रैंडेड न्यूक्लियोटाइड रहउची सो सिंगल स्ट्रैंडेड न्यूक्लियोटाइड रे 3-OH end रे CCA end रहुची CCA end रो काम कोन रहुची एटी जेतेले अमीनो एसिड तयार होची से बॉन्ड तयार करकी अमीनो एसिड को बांधि के रखुची जेतेले टोटल गोटे प्रोटीन तयार हे जाउची सेतेले सेटा 3-OH end रो छाडी जाउची तो नेक्स्ट आमे देखिबा डी लूप डी लूप एठी काई कहै छै एथि किछि न्यूक्लियोटाइड मॉडिफाइड हे जाइची डी एथि काई कहला डाइहाइड्रोयुरिडिन बेस गोटे न्यूक्लियोटाइड मॉडिफाई है कि डाइहाइड्रोयुरिडिन बेस है जी सेते में ताको हमें कहो जे डी लूप सो डी लूप रे एटी डी स्टेम और डी लूप एटा वेरिएबल लेंथ रो आइ पारे तार किछ पर्टिकुलर लेंथ नहीं
ଟି ସାଇ ଲୁପ୍ ଆକୁ କାହିଁକି କୁହାଗଲା, ଟି ସାଇ ଲୁପ୍ ଏଠି ଗୋଟେ ମୋଡିଫାଏଡ୍ ନ୍ୟୁକ୍ଲିଓଟାଇଡ୍ ରହୁଛି ସ୍ପିଡ୍ ଓ ୟୁରିଡିନ୍, ସେଇଥିପାଇଁ ତାକୁ ଆମେ କହିଲେ ଟି ସାଇ ସି ଲୁପ୍। ତ ଟି ଟି ଷ୍ଟେମ୍ରେ ଏଠି ଆମର କ'ଣ ରହୁଛି, ପାଞ୍ଚଟା ବେସ୍ ପେୟାର ରହୁଛି ଓ ଟି ଲୁପ୍ରେ ସାତଟା ନ୍ୟୁକ୍ଲିଓଟାଇଡ୍ ରହୁଛି। ଏ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ ଆପଣ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିପାରିବେ। ସୋ ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଖିବା ଭ୍ୟାରିଏବୁଲ ଲୁପ୍ ଉପରେ। ସୋ ଭ୍ୟାରିଏବୁଲ ଲୁପ୍, ଭ୍ୟାରିଏବୁଲ ରିଜନରେ ଏଠି କେତେଟା ନ୍ୟୁକ୍ଲିଓଟାଇଡ୍ ରହୁଛି, ଚାରିରୁ ପାଞ୍ଚଟା ନ୍ୟୁକ୍ଲିଓଟାଇଡ୍ ରହୁଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଏକ୍ଜିଷ୍ଟ କରିପାରିବ 24 to 32 ନ୍ୟୁକ୍ଲିଓଟାଇଡ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିପାରିବ ମଧ୍ୟ ଭ୍ୟାରିଏବୁଲ ଲୁପ୍ରେ। ସୋ ମେନ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଗୋଟେ ରହୁଛି ଆଣ୍ଟିଗୋଡନ୍ ଲୁପ୍। ଆଣ୍ଟିଗୋଡନ୍ ଲୁପ୍ର କାମ କ'ଣ, ସେ ଯେତେବେଳେ ଏଠି ଆମର ଏମ୍ଆର୍ଏନ୍ଏ ରହିଲା, ଏମ୍ଆର୍ଏନ୍ଏର କୋଡନ୍କୁ, କୋଡନ୍ର ଆଣ୍ଟିଗୋଡନ୍ ଯେଉଁଟା, ସେ କ୍ୟାରି କରିକି ଆଣିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମିନୋ ଏସିଡ୍ ସିନ୍ଥେସିସ୍ ହେବ। ସୋ ଆଣ୍ଟିଗୋଡନ୍ ଲୁପ୍ର ଆଣ୍ଟିଗୋଡନ୍ ଷ୍ଟେମ୍ରେ ରହୁଛି 5 ବେସ୍ ପେୟାର ଆଣ୍ଡ 7 ନ୍ୟୁକ୍ଲିଓଟାଇଡ୍ ରହୁଛି। ସୋ ଏଠି ଯେତେବେଳେ ଆଣ୍ଟିଗୋଡନ୍ ଲୁପ୍ ହେଉଛି, ଏଠି ଗୋଟେ ମେନ୍ ଫଙ୍କସନ୍ କ୍ୟାରି କରୁଛି ପ୍ରୋଟିନ୍ ସିନ୍ଥେସିସ୍ରେ। ସୋ ଟିଆର୍ଏନ୍ଏରେ ଡି ଲୁପ୍ ଆକ୍ଟ ଆଜ୍ ଏ ରେକଗ୍ନିସନ୍ ସାଇଟ୍ ଫର୍ ଆମିନୋ ଏସାଇଲ୍ ଟିଆର୍ଏନ୍ଏ ସିନ୍ଥେଟେଜ୍, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ହେଲ୍ପ କରିବ ବଣ୍ଡ ତିଆରି କରିପାରେ। ଆଉ ଟି ସାଇ ଲୁପ୍ର କାମ କ'ଣ ରହିଲା, ସିଏ ରାଇବୋଜୋମ୍ ସର୍ଫେସ୍ ସହିତ ଆଟାଚ୍ ହେଇକି ରହିବ, ଯେମିତିକି ଟିଆର୍ଏନ୍ଟା ଷ୍ଟେବୁଲ୍ ହେଇକି ରହିବ। ଆଉ ଆଣ୍ଟିକୋଡନ୍ ଲୁପ୍ର କାମ କ'ଣ ରହିଲା, ସେ ଆଣ୍ଟିକୋଡନ୍ ଆଣିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସେ କୋଡନ୍ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିକି ଆମିନୋ ଏସିଡ୍ ସିନ୍ଥେସିସ୍ କରିବ। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଆଜି ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ଆର୍ଏନ୍ଏ ଉପରେ ଗୋଟେ ବ୍ରିଫ୍ ଆଇଡ଼ିଆ ହେଇଯାଇଥିବ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର କିଛି ଡାଉଟ୍ ଅଛି, ତେବେ ଆପଣମାନେ ଚାଟ୍ ବକ୍ସରେ ପଚାରିପାରିବେ। ଆଉ ମୁଁ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ମୋ ଜିମେଲ୍ ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଦେଇଛି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି PPT ଦରକାର ତାହେଲେ ମୋତେ ସେ ଜିମେଲ୍ ଲିଙ୍କ୍ରେ ମେସେଜ୍ କରିବେ। ସୋ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା DNA ରେପ୍ଲିକେସନ୍ ଉପରେ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି, ତେବେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର୍ କରନ୍ତୁ ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଓ ସାଇଡ଼୍ରେ ଥିବା ଘଣ୍ଟି ବଟନ୍ଟିକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଯେତେବେଳେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ଅପଲୋଡ଼୍ ହେବ, ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଚାଲିଯିବ। ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ ଫର୍ ୱାଚିଂ।